ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मंडे यानी कि कल के लिए इंट्राडे वॉच लिस्ट देखेंगे, कौन से शेयर बाइंग के लिए होंगे, कौन से शेयर सेलिंग के लिए होंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे, सो आपको आइडिया आ सके कि आपको ट्रेड कौन सा लेना है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट क्यों है, तो आप 1 आवर्स के चार्ट पे देखोगे तो ये अपनी जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है वहीं से ये क्या है कि पिछले दिन अप आया है, तो हो सके ये और थोड़ा अप जाए और जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वहां थोड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, लेकिन इतना जो हमें गैप मिल रहा है वो इंट्राडे में काफी है, तो इसीलिए ये मेरे बाइंग लिस्ट में है। इसको मैं क्या है कि मंडे बाइंग लिस्ट में लेके जाऊंगा, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की तो मैं इसमें जरूर बाइक करूंगा। और आप जब इसे 1 डे पे देख रहे तो इसमें एक ट्रायंगल जैसा बना है, तो हो सके अभी ये क्या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर भी निकल जाए, तो वो बात की बात है, लेकिन हम मंडे देखेंगे, अगर हमें इसमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम इसमें बाइंग जाएंगे। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो देख लेते, तो दूसरा स्टॉक है जो हमारा टीवीएस मोटर। अभी टीवीएस मोटर क्यों है, तो टीवीएस मोटर में 1 डे पे बुलिश ट्रायंगल जैसी पैटर्न बना दी। इस स्टॉक को मैंने पोजिशनल के लिए भी सजेस्ट किया, लेकिन क्या है कि पोजिशनल में अब जाने वाला है तो नॉर्मल सी बात है आप इसमें इंट्राडे में भी क्या है कि बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये अगर आपको मंडे कोई पॉजिटिव साइन देता है अप जाने का, प्रॉपर आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी ये अप जा सकता है, तब आप अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजी यूज करे हो, जो प्राइस एक्शन यूज करो, वहां कोई सिग्नल मिले तब आप इसमें बाय कर सकते हो। तो ये था हमारा टीवीएस मोटर सेकंड जो बाइंग लिस्ट में था। क्यों है, तो नॉर्मल सी बात है एक आपको बुलिश ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको बाइंग साइड लेके जाएंगे। शायद ये इन फ्यूचर आने वाले दिन में ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए और प्रॉपर से आपको इसमें अपसाइड देखने को मिले, लेकिन ये पोजिशनल की बात है और पोजिशनल के लिए भी मैंने एक वॉच लिस्ट बना के रखी, तो वो भी आप देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक उसमें भी बाइंग साइड है। और उसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, तो एल एन टी मैंने आगे भी आपको सजेस्ट किया और अब भी कराऊ, क्यों कराऊ, नॉर्मल सी बात है ये हमारे डिमांड जोन से अप जा रहा है और आप इधर देख रहे, तो एक आपको हरामी कैंडल मिली उसकी कंफर्मेशन भी मिल गई, तो हो सकता है मंडे आपको एक अपसाइड देखने को मिले। तो ये मेरी बाइंग लिस्ट में है, मंडे आप इसको बाइंग साइड लेके जा सकते हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली और बाइंग सिग्नल मिला तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। बाद में जो इसका बाद का जो स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते, तो उसके बाद टाटा ग्लोबल है। अभी टाटा ग्लोबल क्यों है, क्योंकि आप जब 1 आवर्स पे देख रहे हो तो आपको इसमें क्या है कि एक फ्लैग जैसा दिख रहा है, आपको एक क्या है कि बुलिश फ्लैग दिख रहा है, इसका क्या है कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो हो सकता है ये आगे आने वाले दिन में अब भी जाए 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, लेकिन जब मैं इसको 1 डे पे भी शिफ्ट करता हूं तो भी आपको इसमें क्या है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखता हुआ दिख रहा है, ये जो रेड कलर की है उसकी बात करें, तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में ये आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे और ज्यादा अपसेट जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसको मंडे भी क्या है कि बाइंग में लेके जाऊंगा, अगर मेरे को बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाय कर सकता हूं। इसके बाद का जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो देख लेते, तो HDFC मेरे लास्ट में है, वो क्यों है और कौन सा है, ये है बाइंग के लिए। अभी क्यों बाइंग के लिए, तो नॉर्मल सी बात है आपको एक अपट्रेंड देखने को मिला है 1 डे के टाइम फ्रेम में, एक अपट्रेंड देखने को मिला है, बाद में इधर कप एंड हैंडल जैसे एक पैटर्न बना दिए, होता है तो इसमें आपको क्या है कि मंडे एक अपसाइड देखने को मिलती है अगर मार्केट ने भी साथ दिया तो। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अगर प्रॉपर तरीके इसका ब्रेकआउट हो गया तो नॉर्मली आपको ये मंडे अप जाता हुआ दिखेगा। तो आपको जब भी क्या है कि मार्केट पहले क्या है कि देखो HDFC और दूसरे स्टॉक को कि कैसे मूवमेंट कर रहा है, अगर आपको आपके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है तब आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा HDFC है ये बाइंग लिस्ट में क्यों है, तो आपको क्या है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो ये कंटिन्यूस पैटर्न होती है तो आपको इसमें अपसाइड देखने को मिलता है। अगर ये मंडे भी अपसाइड नहीं गया और दे दिया तो मैं इसको क्या है कि उसके आगे के दिन पे इसको लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि अप ट्रेंड में मिलता है जब भी ऐसी पैटर्न का ब्रेकआउट या क्या है कि फिनिश होती है तब। तो ये थी हमारी ओर से कल के लिए वॉच लिस्ट। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे, सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।